20 नवंबर के बाद देश दुनिया में आएगा क्या बड़ा बदलाव। एक साथ आ जाएंगे दो प्रभावशाली ग्रह। गुरु शनि की युति अब क्या बड़ा खेल करेगी। किन राज्यों में होगी सत्ता परिवर्तन, बता रहे हैं आचार्य मयंक शर्मा जी, वो भी सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, एक बार फिर हमारे दर्शकों का धर्म ज्ञान में स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ कविता राणा। मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह जाने माने ज्योतिष आचार्य मयंक शर्मा जी। धन्यवाद कविता जी, और धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को मेरी ओर से बहुत बहुत नमस्कार। गुरु और शनि दो एक ऐसे ग्रह हैं जो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली माने जाते हैं। गुरु जो व्यक्ति को हर चीज़ देता है, आपके सुख साधन में वृद्धि कराता है, आपके विवाह के योग बनाता है, आपके तरक्की में कहीं कोई बाधा नहीं आने देता, तो वहीं दूसरी तरफ शनि ग्रह हैं जो स्वयं कर्म फलदाता है। जी हाँ, जो कब राजा को रंग रंग को राजा बना दे कोई नहीं जानता। और ऐसे में इस 20 नवंबर से गुरु शनि की युति होने वाली है, यानी कि गुरु और शनि एक साथ आ रहे हैं। और गुरु शनि का एक साथ आना हमारे देश दुनिया में कैसा प्रभाव डालेगा, जी हाँ, क्या बड़े बदलाव नवंबर के इस महीने से होने शुरू हो जाएंगे, आज हम ये जानेंगे मयंक शर्मा जी से। लेकिन आइए ये जानते हैं, जो कि ज्योतिष शास्त्र में कहते हैं कि गुरु का तो कोई शत्रु होता नहीं है और शनि के साथ भी उनके सामान्य रिश्ते रहते हैं, तो ऐसे में जब गुरु शनि के साथ आ जाएंगे तो इसका कैसा प्रभाव रहने वाला है, सकारात्मक या नकारात्मक। देखिए, गुरु शनि की युति जब जब हुई है तो वो अकारक परेशानी, कष्ट, चिंता, भूकंप, हानि, जबकि युद्ध का योग भी बनाते हैं जी। और गुरु और शनि जब एक राशि में आते हैं तो कहीं ना कहीं परेशानी, संकट का संकेत होता है। और इस समय गुरु नीच के हो गए हैं तो ये थोड़ा सा और चिंता का विषय है लोगों के मन में कि नीच के गुरु हैं। एक तो गुरु बहुत शुभ फल देते हैं, जब नीच के होंगे तो अशुभ करना शुरू कर देंगे, और शनि के साथ आ जाएंगे तो क्या होगा, कितना और अनिष्ट हो जाएगा। और शनि अपनी राशि में है, शनि और गुरु के एक दूसरे के सामान्य ये माने जाते हैं इनका, इनकी दूसरे के सम है, ना शत्रु है ना मित्र है, एक दूसरे के लिए सामान्य देखते हैं, और गुरु के लिए कोई शत्रु नहीं होता जी। है तो कुल मिलाकर ये जो स्थिति है, ये देश दुनिया में क्या कुछ बड़ा बदलाव लाएगी, या क्या कोई युद्ध की स्थिति बनेगी, या कोई हालत बहुत ख़राब हो सकते हैं, कोई युद्ध होने वाला है, ये सब परिस्थितियाँ इस समय लोगों के मन में चल रही है। और ग्रह गोचर क्या कहता है आने वाले समय में, और शनि और गुरु जब अलग अलग राशियों में बैठते हैं तो अलग अलग फल देते हैं, और अब मकर राशि में आके बैठे हैं तो ये क्या फल देंगे और ग्रहों की स्थिति क्या रहेगी, ये आज हम आपको दर्शकों को बताएंगे। और उनके जो कुछ डाउट्स हैं या जो लोगों ने हमें कमेंट्स बॉक्स में भी पूछे हैं कि गुरु शनि के ऊपर प्रोग्राम बनाइए और इससे कुछ अनिष्ट तो नहीं होगा, ये भी बताइए, या क्या लाभ होगा या क्या नुकसान होगा, क्या कोई डरने की ज़रूरत तो नहीं है, तो ये सारे डाउट्स आज हम बिल्कुल दर्शकों के क्लियर करने वाले हैं जी। तो मैं जी सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ, अगर देश की सत्ता को लेकर बात की जाए तो भारत की पॉलिटिक्स में क्या लगता है, कोई बदलाव नज़र आता है आपको? देखिए, 6 अप्रैल तक ये दोनों की युति रहेगी 20 नवंबर से, यानी कि 20 नवंबर से 6 अप्रैल तक गुरु शनि एक साथ रहेंगे। 6 अप्रैल को गुरु अगली राशि में चले जाएंगे, यानी शनि की दूसरी राशि कुंभ राशि में, और वहाँ 15 सितंबर तक रहेंगे। 15 सितंबर की शाम को वापस फिर वक्री होके फिर शनि के साथ युति बना लेंगे, और फिर 20 नवंबर को पुणे, यानी कि 20 नवंबर 2021 को कुंभ राशि में पूरी तरीके से मार्गी हो जाएंगे। तो यानी कि 2021 में काफ़ी कुछ परिवर्तन गुरु का देखने को मिलेगा। गुरु कभी मकर राशि में रहेंगे, कभी मकर में वक्री होंगे और कुंभ में जाएंगे, और साल के अंत यानी कि 20 नवंबर 2021 को फिर पुनः वापसी वो करेंगे कुंभ राशि में। तो ये जो परिवर्तन होगा ये संकेत देता है कि आने वाले समय में देश दुनिया में, खासकर भारत की राजनीति में, देखिए उठापटक देखने को मिल सकती है। कहीं जगह जहां चुनाव होने हैं 20 नवंबर के बाद और इस समय के दौरान, यानी कि पूरे 20 नवंबर 2020 से लेके 15 सितंबर 2021 तक के बीच में जहां भी चुनाव हैं, जो इस समय पार्टी वहां अभी पार्टी जो सरकार चला रही है उनको कम बहुमत मिलेगा या सत्ता परिवर्तन भी हो सकता है। राजनीतिक गलियारों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये समय ठीक नहीं है जी। कुछ नेताओं का कार्यकाल या कुछ नेताओं की राजनीति इस समय समाप्त भी हो सकती है। कुछ नए नेता अनएक्सपेक्टेड, जिनसे किसी को उम्मीद नहीं थी, वो आगे आके उभर सकते हैं, बड़ा चेहरा भारतीय राजनीति का बन सकते हैं, इवन मोदी सरकार में भी आ सकते हैं, तो ये संकेत मिल रहा है।
कुछ लोगों की राजनीति इस समय खत्म हो सकती है, और कुल मिलाकर ये जो समय रहेगा बड़ा उठा पटक का रहेगा। राजनीति की बात करें, कहीं ना कहीं देश में कुछ राज्यों में कहीं ना कहीं उठा पटक देखने को मिलेगी, जनता में सरकार के प्रति, राज्य सरकार के प्रति विरोध का सामना भी सरकार को करना पड़ेगा। खासकर ये जो राज्य मैं आपको बता रहा हूँ, पश्चिम बंगाल है, पंजाब है, उत्तराखंड है, और अगर बात करें अगला राज्य जो राजस्थान है, चेन्नई है, तमिलनाडु है, और केरल है, और नॉर्थ ईस्ट के कुछ इलाके हैं। इन राज्यों में जो जिनकी भी सरकार है, जिस भी पार्टी की सरकारें हैं, सत्ता परिवर्तन अगर चुनाव होंगे तो हो सकता है, या फिर जनता की अवहेलना झेलनी पड़ सकती है सरकार को। और कुछ इस तरह के हालात दिल्ली में भी बनेंगे, यानी कि दिल्ली में जो केजरीवाल जी की सरकार है उनको भी जनता का तरफ से आलोचना झेलनी पड़ सकती है, कुछ उनके फैसले हैं उनकी आलोचना हो सकती है, या इन राज्यों के मुख्यमंत्री के जो फैसले ले जाएंगे उनकी आलोचना जनता करेगी, और बड़ा विरोध प्रदर्शन, बड़े उपद्रव वगैरह की स्थिति देखने को मिल सकती है। ये सब चीज़ें इस समय हो सकती हैं, तो ये राजनीति के हालात इस समय पर रहेंगे। मैं ये तो आपने बताया कि भारत की राजनीति में क्या बड़े बदलाव आ सकते हैं जो कि 2021 तक रहने वाले हैं, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि और अगर विश्व की बात करें, क्या लगता है क्या उथल पुथल मच सकते हैं? क्योंकि अगर बात की जाए तो जिस तरह से फ्रांस में देख लीजिए ना, फ्रांस में इमैनुअल मैक्रों ने जिस तरह से इस्लाम को बताया कि भाई वो दुनिया के लिए कितना बड़ा संकट है, और उसको देखकर तमाम इस्लामिक देश फ्रांस के विरोध में हो गए। पाकिस्तान को देख लीजिए, वहाँ तख्ता पलट किसी भी वक्त हो सकता है, विपक्ष से लेकर पूरी आवाम इमरान खान के खिलाफ उठी है। सऊदी अरब में देख लीजिए, तमाम मतलब एक तरह से देखा जाए अगर आज की तारीख में तो बहुत उथल पुथल मची हुई है। अमेरिका से लेकर यूरोप की बात करें, इस्लामिक कंट्रीज़ की बात करें, क्या अभी भी आगे भी इसी तरह उथल पुथल मची रहेगी? देखिए, ये उथल पुथल बनी रहेगी और कम से कम 6 अप्रैल तक ये उथल पुथल बहुत ज़्यादा रहेगी जी। उसके बाद कुछ कमी देखी जाएगी। यूरोपियन कंट्रीज यूके में, जर्मनी में थोड़ा कम रहेगा, फ्रांस में ज़्यादा रहेगा, और अगर हम लैटिन अमेरिका से जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर अर्जेंटीना हो गया, ब्राज़ील होगी, वहाँ पर समस्याएं बढ़ेंगी, और पाकिस्तान में इमरान खान की मुश्किलें बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं आने वाले समय, जो ग्रह नक्षत्र है, क्योंकि उनका समय जो है 6 अप्रैल तक बिल्कुल अच्छा नहीं रहेगा, तो उनको बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, जनता के विरोध का सामना करना पड़ सकता है, हालात उनके पक्ष में नहीं रहेंगे। चाइना के लिए बहुत ख़राब समय रहेगा, नेपाल के लिए समय ठीक नहीं रहेगा ये, और अमेरिका में भी हालात इतने बेहतर नहीं रहेंगे, कई लोगों की नौकरियां तक जा सकती हैं या लोग वापस आने का प्लान कर सकते हैं। तो ये समय जो है 6 अप्रैल तक का समय जो है इतना बेहतर नहीं रहेगा। 6 अप्रैल के बाद जब राशि परिवर्तन बृहस्पति करेंगे, कुंभ में आएंगे, तो चीज़ें थोड़ा सा बेहतर होंगी, लेकिन इस दौरान इन देशों में बड़ी उठापटक रहेगी, बड़ी परेशानियाँ रहेंगी। लेकिन अगर पूर्वी देश की बात करें, सिंगापुर हो गया आपका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये देशों के लिए स्थिति बड़ी अच्छी रहेगी, इनके हालात ज़्यादा बेहतर रहते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं जी जाते जाते बस एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहती हूँ, देश के इकोनॉमी को लेकर, क्योंकि जिस तरह से कोरोना काल की वजह से व्यापारियों का काम ठप हुआ है और बाज़ार में भी वो चहल पहल बीते त्योहारों में नहीं दिखी, मतलब शेयर मार्केट में क्या उछाल आ पाएगा? क्या लगता है कि आगे गुरु शनि की युति क्या देश की इकोनॉमी को बूम कर पाएगी? देखिए, इस समय 6 अप्रैल तक का समय तो मंदा ही रहेगा, 6 अप्रैल तक, क्योंकि इस समय शेयर मार्केट कभी उछलेगा तो डाउन ज़्यादा रहेगा। सोने चांदी के दामों में इस समय गिरावट ज़्यादा देखी जाएगी, बहुत ज़्यादा उछाल नहीं आएगा। और आर्थिक स्थिति की बात करें तो इस समय के दौरान 6 अप्रैल तक कोई बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं रहने वाली है, रोज़गार के साधन भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं रहेंगे, तो इस समय थोड़ा उथल पुथल तो बनी रहेगी, आर्थिक स्थिति में एकदम तेजी से सुधार नहीं आने वाला है। 6 अप्रैल के बाद ही हालात बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि 6 अप्रैल 2021 के बाद, उससे पहले पहले समय थोड़ा सा चिंताजनक रहेगा। परिस्थितियां वर्स्ट नहीं होंगी, बहुत ख़राब नहीं होंगी, लेकिन जैसी चल रही है उससे थोड़ा कम रहेंगी या ऐसी ही चलेंगी। बहुत बड़े बदलाव की आर्थिक स्थिति को लेकर अभी आने वाले कुछ महीनों में 6 अप्रैल तक हम उम्मीद अभी नहीं कर सकते हैं। चलिए, तो ये थे वैसा मयंक शर्मा जी, जिनसे हमने जाना कि भाई गुरु और शनि की युति हमारे देश में, देश की राजनीति में, दुनिया में और देश के इकोनॉमी में क्या बड़े बड़े बदलाव ला सकती है, कहाँ उथल पुथल मच सकती है। इसी के साथ मुझे और मयंक शर्मा जी को दीजिए इजाज़त, नमस्कार।